नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में गैरसैंण का पहला सत्र 13 मार्च से शुरू होगा, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां और आंदोलनकारी द्वारा सत्र के दौरान प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव और आंदोलन भी हो सकता है, जिसको लेकर प्रशासन बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं सत्र के दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसको लेकर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुगुरेश्वर ने चमोली पुलिस को मुख्यालय स्तर से अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। सर, गैरसैंण में सत्र शुरू होने वाला है और आंदोलनकारियों की चेतावनी है, आंदोलन क्या कुछ तैयारियां पुलिस विभाग की? सत्र स्मूथली चलने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पीएसी भी है और अग्निशमन का भी लगेगी और महिला पुलिस भी लगेगा। हमारे अगले दो हो गया है और उनको चमोली डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी गई कि प्रॉपर व्यवस्था करें जोन सेक्टर बाद। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन किया जा रहा है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी शहरी विकास विभाग द्वारा 394 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र के लोगों को आवास आवंटित किए गए। इस दौरान 1100 से ज्यादा लोगों ने आवास योजना के तहत लॉटरी डाली थी, जिनमें से प्रथम चरण में 394 लोगों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित हुए। चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी को कि ये योजना जो थी 2017-18 की योजना थी, किसी कारणवश लंबित पड़ी हुई थी और जब मैं विधायक बनकर आया तो मैं लगातार इस योजना को कंप्लीट कराने के पीछे था। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे शहरी विकास मंत्री जी को कि आज इस सरकार में ये योजना धरातल पर उतारी गई है और 394 लोगों को हम आज लाभार्थियों को आज हम आवास आवंटित कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। दरअसल एक निजी स्कूल के उद्घाटन करने शिवपाल पहुंचे थे। इस दौरान वो बीजेपी को जमकर घेरते दिखे। उन्होंने कहा कि इटावा शहर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, कोई बड़ा शहर नहीं है और यहाँ पर कोई बड़ा व्यापारी भी नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी है। युवाओं ने शिक्षा तो अच्छी प्राप्त कर ली है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। किसानों के साथ भी सरकार को कई चुनौतियां हैं, किसान मेहनत करने के बाद भी सुखी नहीं है। भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और एक समय था बहुत अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा भी है और आज भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गाजियाबाद के बाद आज पढ़ाई लिखाई में और स्कूलों के बारे में नंबर 2 पर इटावा जनपद है। वो नेताजी की वजह से हुआ था। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुरबरसा गांव निवासी बीजेपी वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र पांडे ने मनु तिवारी के आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने समाज सेवा करने का ऐलान किया। पांडे मीडिया से बातचीत में बताते हुए नजर आए कि देवरिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अपनी दमदारी पेश करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो मैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं जनता का सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में आ रहा हूं। उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि मैं अपने निवास स्थान सुनारसा में हनुमान महाराज का 52 फीट प्रतिमा स्थापित करवाऊंगा, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। आते हैं हमारा जिला देवरिया है और देवरिया में कितना दम है ये लोगों को बताने के लिए कि देवरिया के लोग कितने देवराहा बाबा की ये भूमि है। अब इस भूमि को लोगों तक पहुंचाना, हिंदुस्तान के कोने कोने, संसार में कोने कोने तक पहुंचाना, यही हमारी सोच है, यही हमारी विचारधारा है। देवरिया में कितना दम है हम यही चाहते हैं दिखाना। महिला उत्थान मंडल ने दुष्कर्म के आरोपी आसाराम बापू की रिहाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इटावा में शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे महिला उत्थान मंडल की कई महिलाएं कार्यकर्ताओं ने मिलकर कचहरी परिसर में पहुंचकर आसाराम बापू की रिहाई की मांग की और जमकर प्रशासन से उन्हें जेल से बाहर निकालने की मांग करते हुए नारेबाजी की और हंगामा भी काटा है। मैं आपका श्रीमती रेखा यादव। क्या है आप? हम जिलाध्यक्ष हैं, महिला संगठन अध्यक्ष हैं। आज आप इतनी सारी महिलाएं कचहरी आई, क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? हम श्री संत श्री आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए विज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी साहब को।
पार्टी के। क्या नाम है आपका? गीता यादव। आज ये इतनी सारी महिलाएं जो आप लोग आई हैं, क्या मांग क्या है आप लोगों? हमारी मांग यही कि हमारे बापूजी बाहर आए, लोगों का विकास हो, छोटे छोटे बच्चे जो युवा वर्ग है कहाँ कहाँ लवर लवरियों के चक्कर में फंसे हैं ना, फूल दे के लव यू करते हैं, उनकी नीचे के केंद्रों में जाके सत्यानाश हो रहे मेरे बापूजी, जैसे ही उनका कल्याण कर पाएंगे, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मसूरी देहरादून मार्ग पर देहरादून से मसूरी की ओर आ रही एक कार भट्टा गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ITPP फायर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गहरी खाई से निकाला और 108 के माध्यम से मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। SSI गुमान सिंह नेगी ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली कि भट्टा गांव के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक लाइट व्हीकल जो झील के पास नीचे गिर गया है। हमें तुरंत सूचना मिलने के बाद हमारी जो अपनी एक रॉक की टीम है, हमारे पास जो स्पेशलाइज लोग होते हैं इस क्षेत्र के, उनके साथ हमारी टीम यहाँ पहुँची। भाई आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक जाइलो गाड़ी जो है हनुमान मंदिर के पास खाई में गिर गई थी। इस तत्काल हम पुलिस कर्मचारी और ITBP फायर सर्विस SDRF एम्बुलेंस सबको सूचित किया गया। और वहीं आगरा पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद लुटेरे ने कई आपराधिक घटनाओं को कबूला है। आपको बता दें कि लुटेरा चुनैती घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं पुलिस को तमंचा बाइक और लूटी गई एक चैन भी बरामद हुई है। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका नाम है अभिषेक ओझा पुत्र सत्यनारायण ओझा। ये गणपति स्मार्ट सिटी बाईपुर रोड सिकंदरा का रहने वाला है और ये पेशे से HR का कार्य करता है। ये गुड़गांव में कार्य करता है। अभी कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यही रहता है। बिजनौर के एक गांव में अज्ञात चोर पुलिस को चुनौती देते नजर आए और किसान के घर से भैंसा चोरी कर वो चक्कर हो गए। वहीं सुबह उठकर पीड़ित ने जब देखा तो घर से उसका भैंसा गायब था। पीड़ित किसान ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान का कहना है कि पूर्व में भी गाँव में चोरों ने कई वारदात को अंजाम दिया है, जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। सुबह होने पे पता लगा आपको? हाँ, 4 बजे। तो पुलिस में कंप्लेन नहीं किया आपने अभी? तो किसी का किसी पे कोई शक है आपको? हमें अभी किसी पे शक नहीं है, हम दूर बोलने लगे। भी चोरी हो गई थी। प्रयागराज में बाइक से वसूली करने जा रहे अमीन को 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वही मामला सराय ममरेज थाना क्षेत्र के गोठवा गांव के पास का है। वही अमीन के दाहिने हाथ में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ के वर्तमान प्रधान ने दबंगई के बल पर रिटायर्ड फौजी के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला थाना गौड़ा क्षेत्र के मजूपुर गांव का है, जहां के वर्तमान प्रधान विजय कुमार पर रिटायर्ड फौजी बच्चू सिंह ने घर में घुसकर मारपीट और पथराव करने का आरोप लगाया। घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते पीड़ित रिटायर फौजी ने परिवार सहित SSP से न्याय की गुहार लगाई है। शांति देवी, ये बताइए आपके चोट कैसे आई? 4 बजे सब घर में घुस गए, मारपीट करी। 8 बार 5-4 बालक है, हम दोनों प्राणी के साथ, लड़की और बहू ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव सोकरा थाना गोंडा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है? मैं अभी CRPF से 2 तारीख को सुपर नेशन रिटायर हुआ हूँ। 60 साल करके पूरे देश की सेवा की है, अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन मैंने देश को संभाला। महोबा में होली त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता सहित जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा पुलिस लाइन महोबा में धूमधाम के साथ होली खेली गई। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर राम प्रवेश राय समेत तमाम पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे।
हरदोई के पाली क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान ने घर में घुसकर एक परिवार से मारपीट की। दरअसल डीजे की धुन को लेकर दोनों के बीच विवाद होना बताया जा रहा है, जिसके बाद आक्रोशित प्रधान ने अपने परिवार के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें माँ बेटे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच की बात कह रही है। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम जेहरा रोड पर स्थित पूर्व प्रधान मुनेश के भट्टे की दीवार अचानक गिरने से वहां काम कर रहे इस्पापुर निवासी एक मजदूर रोशन, बेटे कृष्णा और 2 घोड़ों की मलबे में दबने से मौत हो गई। साथ ही एक घोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर गंगोह कोतवाली निरीक्षक जसवीर सिंह अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां घटनास्थल पर और विधिपूर्वक जांच कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।